हाय एवरीवन, वेलकम करते हैं एक और न्यू वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल क्रिकेट 22 की न्यू अपडेट के बारे में, और मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं कौन से आप लोगों को फीचर देखने को मिलने वाले हैं इस अपडेट में। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, साथ ही में गाइस रिलीज डेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पे गाइस रियल क्रिकेट 22 के सबसे पहले फीचर्स आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आने वाली अपडेट में कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रियल क्रिकेट 22 में एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट यहां पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, और ये स्पोर्ट टूर्नामेंट की खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पर आप लोग अगर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे तो ई स्पोर्ट्स वालों ने खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। और प्राइस पूल की बात करें तो $2,000 में आप लोगों को प्राइस पूल देखने को मिलने वाला है। तो स्काई स्पोर्ट ने यहाँ पे खुद ऑफिशियल करी है इंस्टाग्राम पर, आप लोगों ने नहीं देखी पोस्ट तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप लोग अगर चाहें तो वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है तो अपडेट में भी उसी से रिलेटेड आ सकती है। और यहाँ पे अगर बात करें आप लोगों को रियल क्रिकेट 22 में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलने वाले यहाँ पे न्यू स्टेडियम। तो न्यू स्टेडियम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे रियल क्रिकेट 22 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्टेडियम अभी इसमें बहुत कम है, और आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम भी इसमें 7 स्टेडियम आई थिंक ऐड हुए थे, और अभी भी आप लोगों को जब अपडेट आएगा तो उसमें भी आप लोगों को यहाँ पे अपडेट में स्टेडियम देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप लोगों को और भी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ गाइस यहाँ पे आप लोगों को न्यू बॉलिंग एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे न्यू प्रीमियम शॉट भी ऐड होने वाले हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर बात करी जाए और भी यहाँ पे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी न्यू बॉलिंग एक्शन। और यहाँ पे न्यू बॉलिंग एक्शन ऐड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों को इस बार भी यहाँ पे न्यू बॉलिंग एक्शन ऐड होकर मिले। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे न्यू बैटिंग शॉट, जी हाँ का न्यू प्रीमियम शॉट देखने को मिलने वाले हैं जो कि यहाँ पे अपोनेंट की तरफ से खेले जाएंगे। और साथ ही में गाइस आप लोगों को यहाँ पे न्यू स्टेडियम भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि न्यू स्टेडियम इस बार भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और वो न्यू स्टेडियम आप लोगों को इंडिया के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस और मल्टीप्लेयर में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अलाउड पड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को स्पेक्टेटेड मोड और साथ ही में गाइस 2v vs 2v, ये सारे यहाँ पे आप लोगों को कूप मोड जैसे कि हुआ, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जितनी भी लॉक्ड पड़ी हुई ये आप लोगों को अनलॉक देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से ये लॉक्ड हैं जब से यहाँ पे गेम लॉन्च हुआ है। 7 मंथ हो चुके हैं गेम को लॉन्च हुए, और यहाँ पे उसके बाद से आप लोगों को मल्टीप्लेयर में कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो आई थिंक ये अपडेट जो है मल्टीप्लेयर से रिलेटेड हो सकता है, जो भी चीज़ें यहाँ पे लॉक्ड पड़ी हुई हैं वो आप लोगों को यहाँ पे अनलॉक देखने को मिल सकती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हैं वो अपडेट्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, अप्रॉक्स 90% आप लोगों को अपडेट्स में देखने को चीज़ें मिलने वाली हैं। और साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप लोगों को LED स्क्रीन रिप्ले देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जब भी कोई बैट्समैन 6 या 4 मारेगा तो उसके बाद आप लोगों को रिप्ले LED में भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, और ये फीचर आप लोगों को पता होगा कि कंपनी ने खुद अपने गोल शॉट वीडियो में हम लोग को बताया है। तो हो सकता है आप लोगों को ये फीचर भी देखने को मिल जाए, और अगर ऐसा कुछ फीचर आता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गेम। सो यहाँ पे गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलीज डेट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बताऊँ आई थिंक फरवरी में ही अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे फरवरी की डेट अगर कंफर्म आप लोगों को बता दें तो सेकेंड वीक तक आप लोगों को आई थिंक ये अपडेट देखने को मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका है, 3 मंथ होने वाले हैं और अपडेट आप लोगों को कोई भी खास देखने को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को इसी हफ्ते या फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाना चाहिए। तो गाइस आई होप गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और साथ ही में गाइस वीडियो को भी लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलता हूँ आप सभी को बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।